अज वार्ड नंबर 35 सुल्तानवंड पिंड हलका दखनी विच मिंदरा कलोनी च साडी भैण मनदीप कौर रंधावा जी ने बड़ी एक भरवीं मीटिंग मैं कहां कराई सी। सिर्फ इंट्रोडक्शन मीटिंग रखी सी पर लोगों का विच बड़ा उत्साह सी ते मैं लगता कि आसे पासे भी इन्नी संगत आ गई है कि ठाठा मारदा काठा ही कह सकते हैं। तो बड़ा वधिया उद्यम उपराला किया ते इलाके दी जिहड़ी कोई मंग है डिवेलपमेंट दी वो आपां मंत्री जिहड़े साडे कैबिनेट मंत्री रहे ने इंद्रबीर सिंह जी निजर आपां उन्हां तक भी जरूर पहुँचावांगे। जिहड़ियां लोड़ां मौजूदा ने वो आपां जरूर हल करांगे। जिहड़े लोकां नाल असीं वादे कीते आ वो आपां घर घर जाके पूरा करांगे ते अग्गे कर भी रहे। साडे वीर बड़ी मेहनत कर रहे मनिंदरपाल सिंह जी पीए जिहड़ा हलका दखणी दे चनाक सिंह जी साडे पीए ने उह दिन चेयरमैन बने उह वी पहुंचे ने होर समुची लीडरशिप पहुंची है। मैं समुची आई होई सारी टीम दा धन्नवाद करदा। ईटीओ साहब दा देखो 70 सालों के काम कर दिते हैं। बलजीत सिंह जी जिहड़े चनाक चेयरमैन बने मार्केट कमेटी दे चेयरमैन बने उह वी पहुंचे ने होर समुची लीडरशिप पहुंची है। चनाक सिंह जी जिहड़े मार्केट कमेटी दे चेयरमैन बने उह वी पहुंचे ने होर समुची लीडरशिप पहुंची है। देखो 70 सालों के काम कर दिते हैं। लीडरशिप पहुंची है। मैं सारयां दा धन्नवाद देखो 70 सालों के काम कर दिते हैं। देखो 70 साल दे समें विच मैं जिहड़ा समां दिंदा सी मुश्किल कोई रहण नहीं देनी। अगे डाक्टर साहब कहिंदे सी कि इदां दा मौका आएगा कि इह लोकां नूं पुछांगे कोई मुश्किल हैगी आ ते लोकी कहणगे जी कोई मुश्किल नहीं हैगी। देखो किसी नूं बख्शिया जाएगा भावे कोई भी है साडे उपर जिहड़े मान साहब जिहड़ी संजीदगी दे नाल काम कर रहे आ ते जिहड़े काम नूं हत्थ पाउंदे आ उह काम नूं जिहड़ा करके विखाउंदे आ आने वाले समें दे विच जिहड़ा जिहड़ा काम किहा उह करके विखावांगे। उसदा रिजल्ट आपां पहलां ही जलंधर दे विच ही वेख लिया। जिहड़े काम 7.5 साल कीते ने उहदे विच मान साहब ने कहा सी 1 साल काम दमदार ते इसे तहत ही असीं जिहड़ियां आने वाली कारपोरेशन दी इलैक्शन ने सारियां जिहड़ियां जित के मान साहब दी झोली च पावांगे। ਜਿਵੇਂ ਮਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਲਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ 3 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਮਝ।